आज डीग में ब्रज यात्रा मेला एवं जवाहर प्रदर्शनी में नेहरू पार्क में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम डॉक्टर हरिओम पवार की अध्यक्षता में हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना कर कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया और तालियां बटोरने को मजबूर कर दिया। इस मौके पर एडिशनल एसपी गुमना राम, एसडीएम रवि कुमार गोयल, नगर परिषद आयुक्त नरसी लाल मीणा, अध्यक्ष निरंजन सिंह टिकसालिया, बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। सुनाएंगी, हमारे बुजुर्गों को भटकाने की कोशिश करेंगी। मैंने प्यार मोहब्बत में चेयरमैन साहब आज तक कोई कविता नहीं लिखी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ जहाँ योगी जी की सरकार है। कविताएं मेरे पास नहीं थी, ठीक की गई हमारे प्रदेश में तो प्यार करने वालों की गई, तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। दूर क्यों रहता हूँ, आपको चार लाइन सुना रहा हूँ। वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है, देश की स्वतंत्रता की यज्ञ वेदियों में हुई एक एक आहुति के भक्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। फांसियों में झूले देश प्रेमियों ने अंत तक पांव से छुआ है उस तख्त को प्रणाम है। जिस रक्त ने उबाल लिया कायरों का रक्त, जिस रक्त ने उबाल दिया कायरों का रक्त, ऐसी वीर जननी के रक्त को प्रणाम है। जाल लगते मैं अपने प्रेम को साल लगते बार के किसे मेरी कविता सुनाती है। बात करिए मेरी कविता।